मनीष और आप देख रहे हैं द टेक अहेड। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे मल्टीपल फाइल्स जो हमारे मोबाइल में पड़ी रहती है, जो कि JPG फाइल्स हो, फोटोज हो या टेक्स्ट फाइल हो, उन सभी को आप एक ही नाम से कैसे रख सकते हो। क्योंकि आप, जैसे आपको पता ही होगा कि एक फाइल को हमको रीनेम करने में हर एक फोटो पे जाके ही रीनेम करना पड़ता है, ठीक है। तो हम सारे फाइल्स को कैसे एक ही नाम दे सकते हैं एक ही बार में, ठीक है। या फिर उसको हम टेक्स्ट में भी कन्वर्ट करना चाहते हैं, JPG में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो वो कैसे कर सकते हैं एक साथ एक ही क्लिक में, ठीक है। तो चलो जानते हैं इसी वीडियो में। तो इस वीडियो को टिल द एंड देखिए ताकि आपको सबसे प्रॉपरली पहले पता हमको चल जाना जाए। होगा, इसके लिए हमको एक ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। सबसे पहले तो प्ले स्टोर में जाते हैं, गूगल प्ले स्टोर में जाके हमको लिखना होगा ES फाइल एक्सप्लोरर, ठीक है। मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है, आप इंस्टॉल करके ओपन करके देख सकते हैं। उसके बाद हमको जाना है, यहाँ पे अलाउड अलाउड कर देना होगा। स्टार्टिंग में अलाउड अलाउड का ऑप्शन होगा, वो आपको अलाउड कर देना सारे को। उसके बाद हमको जाना है लोकल में, ठीक है। लोकल में सारी फाइल्स होगी और उसमें से एक फोल्डर सिलेक्ट करना है कोई भी, जिसमें कि सारी फाइल्स रखी होगी, फाइल्स या फोटोज़ जो भी है। तो हम जाते हैं डॉक्यूमेंट्स में, ठीक है। तो ये तीन डॉक्यूमेंट्स अभी मेरे पास है, तो मैं अगर इसका नाम चेंज करना चाहूँ तो चेंज कर सकता हूँ। जैसे हमको एक सबसे पहले ऑल पे क्लिक करना, सिलेक्ट ऑल कर देना है। और जैसे तीनों का नाम आप देख सकते हो अलग अलग है, ठीक है। तो सबका नाम अगर आपको सेम रखना है, जैसे मैं यहाँ पे रख देता हूँ, मैक फाइल्स, ठीक है। यहाँ से आप मैक फाइल्स करके देख सकते हो, सबका नाम चेंज हो जाएगा सारे तीनों फाइल्स का। जैसे कि आप देख सकते हो मैक फाइल्स 1, मैक फाइल्स 2, मैक फाइल्स 3, ठीक है। तीनों का आप देख सकते हो चेंज हो गया है। मल्टीपल फाइल्स हमारे पास कितनी भी फाइल्स है तो सबका आप चेंज कर सकते हो। और इसमें क्या क्या हो सकता है मैं बता देता हूँ आपको। रीनेम में जाके हमको अगर यहाँ पे एक्सटेंशन में चेंज करना है, एक्सटेंशन जो उसका नाम होगा, जो उसका एक्सटेंशन होगा, जैसे .txt है, .jpg है, तो उस हिसाब से हम रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे रख रहा हूँ .txt, ठीक है। अभी ये सारी फाइल्स आप देख सकते हो .txt, उसका एक्सटेंशन चेंज हो गया। दोबारा से उसी फाइल्स को आप चेंज भी कर सकते हो, उसका नाम चेंज, जो उसका एक्सटेंशन है वो चेंज कर सकते हो। यहाँ से चेंज कर देता हूँ, .pdf कर देता हूँ, ठीक है। तो ये सारी फाइल्स आप देख सकते हो PDF बन गई है। तो ऐसे हम इसको चेंजेस भी कर सकते हैं, मल्टीपल फाइल्स को भी हम चेंज कर सकते हैं, उसका एक्सटेंशन भी चेंज कर सकते हैं, नेम भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और क्या क्या चेंज हो सकता है इसको इससे सॉरी इस सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन से हम और क्या क्या कर सकते हैं वो भी हम देख सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो बहुत सारे ऑप्शन दिए हैं। रिसाइकल बिन भी हो सकता है, जैसे कोई फाइल्स डिलीट हो चुकी है तो वो फाइल्स यहाँ पे स्टोर हो जाएगी, ठीक है। या फोटोज़ डिलीट हो चुके हैं तो वो भी स्टोर कर सकते हो आप। अलग अलग वर्क आप यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। क्लीनिंग करना चाहते हो, कैचेस वगैरह निकालना चाहते हो तो वो भी निकल जाएगा। लॉग बन गए होंगे जो 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 आप फाइल्स सीन करते हो या उसको एप्लीकेशन सीन करते हो तो उसका लॉग बन जाता है। लॉग की वजह से बहुत सारी स्पेस इसमें फालतू की यहाँ पे स्टोर हो जाती है, जिसको भी आप निकाल सकते हो बाद में, लॉगर में जाके निकाल सकते हो, ताकि आपकी जो वेस्टेज होगी, स्टोरेज जो है वेस्ट नहीं हो सके, ठीक है। मैं एनालाइज कर भी कर सकते हो, आप देख भी सकते हो।
बहुत अच्छा एप्लीकेशन है ये। अगर आप चाहे तो डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया होगा, तो आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हो इस एप्लीकेशन को। फाइल को आप क्लाउड पे भी रखना चाहते हो तो सीधा यहाँ से लॉग इन करके क्लाउड गूगल ड्राइव पे भी रख सकते हो। ठीक है, काफ़ी अच्छा ये एप्लीकेशन है। अगर आपके पास स्पेस नहीं है आपके मोबाइल में, तो सीधा क्लाउड में भी, यहाँ क्लाउड में जाके भी आप ड्राइव में भी रख सकते हो। ठीक है, फंक्शंस है इसमें, आप देख सकते हो, खुद यूज़ करके देख सकते हो आप। एंड तक देखने के लिए आपका बहुत ही ज्यादा धन्यवाद। मिलते हैं अगले ऐसे ही एक मजेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।